हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हथेली के मध्य पाए जाने वाले क्रॉस के साइन का, एक्स साइन का। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमारी हार्ट लाइन है और ये माइंड लाइन है। तो इसके बीच में जो ये क्रॉस का साइन बनता है, तो ये एक इससे व्यक्ति को अलौकिक शक्ति मिलती है, उसकी छठी इंद्रिय जागृत होती है, सिक्स सेंस पावर होती है उसमें। तो ये कैसे, यहाँ पे भाग्य रेखा है, व्यक्ति के शनि पर्वत तक जाती है और एक रेखा यहाँ मंगल पर्वत से होती हुई सूर्य पर्वत तक जाती है। तो इसे यहाँ पे जो बीच में क्रॉस का साइन बन जाता है, तो ऐसा साइन जिस व्यक्ति के हाथ में होता है तो उसे उसमें अलौकिक शक्ति होती है और उसे होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है और उसे जैसे स्वप्न में आने वाली घटनाएं दिखने लगती है या बुरी या अच्छी घटनाओं का भी उसे आभास होता है। तो और ऐसे व्यक्ति बड़े दिल वाले होते हैं और बड़े दानी स्वभाव के होते हैं। और अगर इसमें अगर ये क्रॉस का साइन अगर ये दोनों लाइन को टच नहीं करता हो तो ऐसे व्यक्ति अपना धन है वो फिजूल खर्ची में भी व्यय कर देते हैं। हो सकता है उनके पास पैतृक संपत्ति, उन्हें बहुत मात्रा में संपत्ति मिली हो और पर उनके फिजूल खर्चे का उनमें होता है। और अगर ये गुरु पर्वत पे क्रॉस का साइन हो तो व्यक्ति के लिए मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्रॉस का साइन ये दो ही जगह पे हो तो ये शुभ माना जाता है, किसी और पर्वत पे अगर क्रॉस का साइन हो तो ये अशुभ फल देता है। मेरी वीडियोस अच्छे लगे लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।